हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये व्लॉग है स्पेशल क्योंकि आप लोग मोनिका को सब जानते हैं और अब मोनिका की शादी में जा रहे हैं हम सारे, शैलजा मैम, अदिति, मैं और शुभम। एंड अभी हम लोग मेरे गांव वाले घर पर हैं और वहां से हम लोग निकल गए, मतलब अक्षार से, और अभी हम लोग जा रहे हैं करसोग। तो आज हम जाएंगे करसोग में, एक जगह है सानना, सानना में शादी है, वहाँ जा रहे हैं हम। व्लॉग वैसे थोड़ा लेट अपलोड होगा, शादी तो अब तक हो चुकी होगी, पर चलिए ब्लेसिंग्स देना आप मोनिका को, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइज, हम लोग बखरौट पहुँच गए हैं अभी, ये लोग थोड़ा सा सामान ले रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं सन्नी वगैरह का। और ये है शैलजा मैम। मैम क्या, अब देखो क्या क्या हो। ये रे शैलजा मैम, अदिति बाहर गई है सामान लेने के लिए और अब हम लोग पहुंचेंगे थोड़ी देर में। मैं आपको मोनिका से भी मिलवाऊंगी कि वो कैसी लग रही है अभी तक, मतलब वहाँ पे मामा स्वागत होना है ना, और मामे पहुँचेंगे, मतलब मासी हूँ मैं तो, पर मामे की जो पूरी होती है ना टोली, वो नहीं पहुँची अभी तक, हम जून पहुँचा नहीं है पूरा, मेरा मतलब ये है। तो अभी हम पहुँचेंगे, फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है। चलो फिर वहीं मिलते हैं डायरेक्टली। हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, गाड़ी पार्क हो चुकी है और अब घर अपने शक्लों पे लगाया कि रूम टॉर्च बढ़िया। ये अदिति, ये शहर जब हम पहुंचने वाले, मैं घर दिखाती हूँ आपको उसका। यहाँ जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये रहा घर और ये रही मोनिका। मामे आ चुके हैं और सब लोग उसको तेल डाल रहे हैं। हम लोग थोड़े लेट हो गए थे इसलिए हम लोगों को इसके बाद सीधे खाना खाने के लिए भेज दिया, और फिर मतलब हम लोगों ने, मैं इतना रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, और फिर हम डांस करने भी लगे थे ना, एक्चुअली डीजे 10 बजे बंद हो जाना था इसलिए हम चले गए धाम टाइम। गजब शर्म दिलाओ, कौन सा ये जो पहना हुआ है। ये मैंने आपको पिछली बार जब मोहिनी की शादी दिखाई थी ना, उसमें एक्चुअली सब रस्में हुई थी ये कि तेल डालते हैं, तेल डालने के बाद नहाते हैं। तो हम लोग खाना खाने चले गए थे, उतने में इसको नहला के यहाँ पे पूजन हो रहा है इसका, वापस शांति पूजन बोलते हैं शायद इसको। तो आज के दिन सिर्फ यही रस्में थी और कुछ भी नहीं था, ये कम्प्लीट मतलब ऑलमोस्ट हो ही गई थी हमारे आने से पहले पहले ही। तो इसके कम्प्लीट होने के बाद हम लोग सीधे चारों एक रूम पे सोने चले गए थे। बाकी जो सब कुछ आपको नज़र आएगा वो नज़र आएगा आपको अगले दिन का, कि अगले दिन हम लोगों ने कैसे कैसे शुरू किया, कैसे मोनिका रेडी हुई, तो वो आप लोग इसके बाद देखेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखो अभी मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि अभी सुबह के 4:24 हुए हैं अभी, एंड हम कहाँ पर हैं, मोनिका की शादी है। मोनिका आप लोगों को पता ही है, मेरी भांजी, मेरी कलीग भी थी भांजी की, तो उसकी शादी है। सारा काम खुद कर रही हूँ मैं, सो के उठी हूँ अभी। मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे दो लोग और हैं, यहाँ दोनों तरफ सोए हुए हैं शैलजा मैम और अदिति, और यहाँ पे दुल्हन दिखाती तुम्हारे को। तो ये रीजी दुल्हन, जिसके भी जिसने भी तैयार होना है, और ये अपना मेकअप खुद करने वाली है, तो मुझे कोई कष्ट नहीं है, बस पता नहीं मेरे को उठा दिया है इसने कि उठ जाओ। तो हम खुद नहान हो के हमने भी रेडी होना ना इसलिए। चलो ठीक है, फिर मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद आते हैं, मिलते हैं आपसे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दुल्हन खुद ही तैयार होने लग गई है। ये ले जाना, आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये पिछले 10-15 मिनट से इस लेंस को लगाने की कोशिश कर रही है, लगा पर ये नहीं हो पाएगा आज लगता है। पकड़ू आंख, ये देखिए, हेलो बे, हाथ में आ चुका है फिर से एक और नाकामयाब कोशिश। पकड़ो जी आंख इनकी, एक तो आंख ही लेंस इतना बड़ा पूरा, अरे भाई पता, देखो देखो क्या बना दिया बास्केट। ऐसा लग रहा है लोअर लैश, ऐसा लग रहा है लोअर लैश है तेरी, ऊपर को फेंको इसको। मोनू क्या करना चाह रही तू, यार तू आंख ना फोड़ दी बस। मैं तब क्या करती हूँ, इसको बंद कर। सो गाइस, ये देख सकते हैं आप, ब्राइड्समेड मैं बिल्कुल तैयार नहा के मैं आ चुकी हूँ। वहाँ पे ब्राइड अपना आई मेकअप कर रही है और मैं इसके बाल क्लीन करूंगी। मैंने आज तक ये नहीं करी, बस आज मैं फटे चेक दूंगी। अभी मेरे फटे चक्के कैसे करते हैं, मैं मेरे फटे चक्के लेंस ट्राई करी, हमने लेंस लगा के फटे चक्के हैं जो कि हमसे नहीं लग पाया गाइस, तो सॉरी नहीं लगा, तो क्या करना है। ये जी क्रीम पर पहली बार है, मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज ट्राई कर रही हूँ। स्ट्रेटनिंग तो की यार, गर्ल्स भी की, नहीं किया क्रीम को कभी, अभी तो कुछ और ही कर दिया मैंने।
पकड़ो ये मैम इधर तो नहीं आ रहा पूरा तेज इस थोड़ा इधर आओ लाइट आपसे रुकेगी अब इन पीछे वाले बालों को करना है कर दो क्लचर और इन दोनों इनको करना है अब आपने बैक ऑफ सबकी वहाँ पहले एक छे काल ऊपर से इसी कंगी से थोड़े थोड़े बाल थोड़ा बहुत कम ठीक है थोड़ा सा ऊपर उठा के ठीक है पिंस है इसमें मैंने कितना अच्छा जुड़ा बने तू मान लेगी नहीं मुझे कितना परफेक्ट बने फोटो दिखाती हूँ अगर आप चाहते हैं कि आपका भी इतना अच्छा जुड़ा बने शादी पे तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करें ये जुड़ा गलती से मैंने बना दिया है ये आप देख सकते हैं मोनिका पूरी तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको ना अभी सिर्फ इतना ही देखो आप चलो यार बिजी हैं हम थोड़े से देखिए मोनिका का मेकअप और हेयर हो चुका है देखो कितनी सुंदर लग रही है पूरा तैयार होकर हम अभी दिखाएंगे अभी हम लोगों ने तैयार होना है हम सिर्फ यहाँ पे भी है दो लोग टू मेंबर्स आर हियर ये अंशु है इसकी मोनिका की सिस्टर इसको आप जानते हैं और नहीं वैसे ही दिखा लो तो ये शैलजा मैम चलो अब हम रेडी होके आपसे मिलेंगे ठीक है हम लोग फिर थोड़ा तैयार हो जाते हैं राज बोल रहे हैं ऐसे मत कर गाइस ये रही हमारी दुल्हन दुल्हन एकदम तैयार हो चुकी है पटड़ा तो नहीं इधर बैठ के आए क्या है दिखाओ ये वाला बैठ के आए जो मीरा है ना ट्रंक के साथ मीरा है ना देखिए हम लोग तैयार हो गए और अब हम जा रहे हैं खाना खाने सारे ये खाना खा रहे चलो खाना खाने ये भी दीदी दीदी भी दीदी भी ये है मोनिका की मासी चलो जाना वहीं जाना है नीचे दीदी चलो तब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर डेकोरेशन हो चुकी है गुड मॉर्निंग हो गई मॉर्निंग है ना अभी हम बहुत जल्दी उठ गए हैं ना इसलिए ऐसा लग रहा है कि दिन हो चुका है शैलजा मैम सच में ऐसा लग रहा है पता नहीं कब क्यों उठे हुए हैं रात होने का टाइम आ चुका है अब हमारे हिसाब से रात होने वाली है अब हाँ ब्रेकफास्ट सुन के तो ऐसा लग रहा है कि भगवान ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं अभी हम अभी उसकी साड़ी फंस रही है यार जीजू आप हेल्प नहीं करेंगे देखो ये जबरदस्ती करवाया है दोबारा से रीटेक हुआ है इसका और मैंने ये बता भी दिया इसमें तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी सदा खुश रहो तुम दुआ है ये मोनिका और अभिनव के लिए अभिनव एक्चुअली रात आ गई है ये तो दिखाना चाहिए ना मुझे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ बारात पहुँच गई है दूल्हे राजा हमारे थोड़े थोड़े दिख रहे ये ब्रेकफास्ट है दीदी सुभद्रा दीदी जी ये आना चाहते थे वीडियो में कह रहे थे मेरी वीडियो बना लेना आपको वीडियो में आना था ना ए बेगोई तुम्हें धो रहे क्या है अब तो आ गए हेलो 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 कौन हूँ मैं पता है आपको
ओ गाइस ये देखिए, ये है लतिका ठाकुर। वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं, क्यों गिना दिया मैंने, ये तो तुम्हें पता ही है। वहाँ तक अपनी गैंग बैठी, जीजू, मोनू। मोनू अपने आप को निहारना बंद करेगी। ए डिंपल, डिंपल रह गया तेरे, दिखा दे। जहाँ कैमरा वहाँ अपना डिंपल लेके ऐसे बैठ जाती है। अदिति का मूड थोड़ा सा खराब है आज, क्योंकि वो रीज़न नहीं बता सकती। आप इन देख सकते हैं, ये दूल्हे के स्वागत की तैयारियाँ हो रही है। ये इनकी सालियाँ हैं, और ये अभी हमारा भी स्वागत करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पधारिए, हटो फिर, हमारे को जाने दो। थैंक यू सो मच। देखो मुझे पता है आप लोगों को वॉइस ओवर पसंद नहीं है, पर इसमें मुझे डालने पड़ेंगे वॉइस ओवर, क्योंकि मैं एक्चुअली इस टाइम पर थी नहीं यहाँ पे। मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सोने चली गई थी। ये सब कुछ मैंने देखा ही नहीं है, ये बस रिकॉर्ड हुआ है, तो फिर वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो इधर यहाँ पे थोड़े बहुत ये रस्में हुई, यहाँ पे फेरे हुए, उसके बाद इन लोगों ने स्टेज पे वरमाला पहनी है, जो कि आप इससे नेक्स्ट देखेंगे। अभी ये देखिए वरमाला में, और हमारे प्रिय दामाद जी अभिनव जी एकदम झुक गए हैं। बेटा पूरी ज़िंदगी झुके रहेंगे अब आप, मुबारक हो आपको। ऐसा नहीं है यार, मोनू भी झुकी थी। तो यहाँ पर मांग भर रहे हैं अभिनव, और ख़ास बात बता देती हूँ मैं आपको कि अभी अभिनव से थोड़ी सी गलती हो गई कि मोनिका के नाक के ऊपर, देखना अभी मोनिका के नाक के ऊपर ज़रा सा वो, मतलब जब वो सिंदूर डाल रहे थे नाक के ऊपर गिर गया, और उसके पीछे पूरी ज़िंदगी अभिनव को ताने बजेंगे। ये देखो मेरे सामने बहुत बार ताने मार दिए इसने उसी दिन, तो आगे भी बजते रहेंगे। Thank you.
इसके साथ सारी रस्में कंप्लीट हो गई थी। अब विदाई के लिए तैयार हो रही थी मोनिका। बस इसके जो बाल है, मैंने बोला था मूंड बाल थे हमारे यहाँ पे, तो मिंडू बनाते हैं, वो इसकी बुआ बना रहे हैं, और उसके बाद ये बस रेडी, और उसके बाद विदाई। हालांकि हमारी दुल्हन की विदाई में विदाई वाली फीलिंग नहीं आई, क्योंकि दुल्हन जी नहीं रोए हमारे। दुल्हन क्या, मुझे लग ही नहीं रहा था विदाई हो भी गई, चल भी पड़ी लड़की, और हम एकदम ऐसे थे सारे कि बस खत्म, टाटा बाय बाय। मोनू के साथ जा रहे हैं उसके ससुराल, उसको छोड़ने के लिए। वो दूसरी गाड़ी में है, हम लोग अपनी गाड़ी में। ये आप देख सकते हैं दुल्हन का जाल मार निकलता हुआ। इसमें रख लेना पापा। अब ऐसी अपनी फील हुई, अपनी जैसी आंखें। अभी तक कितना इतना वजन उठाया था अंकल। आज पहली बार मेकअप को बोला हुआ। गाइस गाइस शादी हो चुकी है संपन्न। हम अभी है कुंगस में, हम कुंगस में हैं, और ये दुल्हन असलियत दिखाने वाली है, जो सुबह से लेकर ये परेशान होगी बेचारी, इतना कुछ, इतना मेकअप कर करके। नथ लगा के सोना है तुम्हें, शायद लगा के नहीं सोते मोनू। अच्छा देखने जा रहे हैं वापस व्लॉग में। मैंने पता नहीं सब कुछ तो कैप्चर में कर नहीं पाई, क्योंकि हम लोग बहुत वो थे, क्या बोलते हैं उसको, बिजी हो चुके थे, इसलिए। हाँ अब इधर बोल भी रहे थे ना। हाँ ठीक है, अब हम व्लॉग ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके बाय एवरीवन, देखना।